पाया पाया सच तज के सलमान पाया 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 सच तज के सलमान पाया। सलमान भाई की नई मूवी आ रही है खंजन। ओ वाह, अनंतर बजरंगी भाईजान। अरे नहीं रे, एकदम सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी है, एकदम बाप। बजरंगी भाईजान? अरे नहीं, उसमें ना एक एक बच्चा भी है सलमान भाई के साथ। सेम एज बजरंगी भाईजान? अरे नहीं रे, उसमें ना सलमान भाई को बे इंतहा प्यार करने वाले भी एक पार्टनर है। या बजरंगी भाईजान? अरे नहीं रे, भग इधर से, भग भग, टाइटल रोल कर पे, भग। क्या तुम्हें यकीन है? डू यू बिलीव? हे गाइस, माय नेम इज़ खान जान, दिस इज़ बीट्स एंड बियॉन्ड एंड वेलकम टू अनदर म्यूजिक रिव्यू। एंड टुडे वी आर गोना रिव्यू ट्यूबलाइट विच इज़ कम्पोज बाय प्रीतम। आई एम स्पेशली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एल्बम सिंस प्रीतम बैक्ड आउट फ्रॉम हिज प्रीवियस म्यूजिक एल्बम राबता। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, पहला गाना है जिसका नाम है रेडियो। इस गाने में भाई अपने भाई के लिए वेट कर रहे हैं, मतलब सलमान भाई सोहेल भाई के लिए वेट कर रहे हैं जो बॉर्डर पे है, इंतज़ार कर रहे हैं रेडियो पे कि उनकी कुछ खबर आए। बट ये गाना मतलब ऐसा ऐसा थोड़ा सैड होना चाहता है, बट भाई का गाना है भाई, तो डांस नंबर है, डांस नंबर। और इस गाने के लिरिक्स मतलब होंगे, बट लिरिक्स के लिए कौन गाना सुनता है? मैं तो गाना भाई के लिए देख रहा था भाई। देखो, बजरंगी भाईजान में जो गाना था सेल्फी ले 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 ले, वो मेरे को बहुत पसंद आया था। और ये गाना भी उसी की तरह मेरे को बहुत पसंद आया है। हाँ, उसके बाद जो गाना है वो है नाच मेरी जान। और ये गाने में भाई और भाई के भाई को देख के मैं इतना मगन था कि मैं सोचते रह गया कि ये गाना कहीं सुना है। फिर पता चला ये तो अपने तीसरे भाई शाहरुख भाई के दिलवाले का गाना है, टकर 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 डिक टका टक, उसके जैसा है थोड़ा, मतलब सेम या कॉपी नहीं है, मतलब मेरी गलती हो सकती है क्योंकि दोनों में प्रीतम है, दोनों में नकाश अजीज़ भी है और दोनों में अमिताभ भट्टाचार्य भी है, तो अभी 19-20 थोड़ा चलता है यार। भाई का जो अगला गाना है बहुत ही दर्द भरा गाना है एकदम, मतलब भाई के फेवरेट सिंगर राहत साहब ने क्या दर्द दिया है और कौसर मुनीर ने जो दर्द दिया है लिरिक्स में, बहुत ही दर्द, एकदम दर्द 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 दर्दे दर्द हो गया। और ये गाने का दर्दनाक पार्ट कोरस नहीं बल्कि गाने की शुरुआत है जहाँ पे म्यूजिक बहुत ही मिनिमल है, एकदम कम। क्या दर्द है, ये दर्द भाई दे सकते थे, दिल में दर्द। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला गाना है आतिफ भाई का जिसका नाम है मैं अगर कहूँ तुम सा हसी। ओ, ये तो दूसरे भाई का गाना है। ये गाने का नाम है मैं अगर, और ये गाने का जो बिल्डअप है स्लो और भाई की तरह लार्जर देन लाइफ है एकदम, मतलब ये गाने में रॉक है और मतलब रॉक होता तो मतलब पूरा गाना रॉक में होता ना तो बहुत ही भाई गॉड बहुत मज़ा आता। बट अभी भाई को ऐसा गलत वलत बोल नहीं सकते भाई, भाई कभी गलत नहीं होता, भाई हमेशा सही होता है, गलत अपन समझा, अपना थोड़ा नॉलेज नहीं है म्यूज़िक का, भाई सही है एकदम सही। और भाई ऐसा किसी के इमोशंस के साथ खेलते नहीं है कि एल्बम में एक ही इमोशनल सॉन्ग डाले, दूसरा इमोशनल सॉन्ग भी है जिसका नाम है कुछ नहीं, जिसको गाया है जावेद अली ने। और ये गाने में सिंगिंग लिरिक्स इमोशनल हो सकते हैं बट म्यूजिक ही इतना इतना ओवरपावरिंग, इतना धासु, एकदम ड्रामेटिक। अरे ड्रामेटिक नहीं, मैं तो बोलता हूँ मेलो ड्रामेटिक म्यूजिक है, क्या बताऊँ मैं। डूड व्हाट रबिश, यू आर सिंपली सेइंग ऑल द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द सॉन्ग्स, आई मीन दोज आर नॉट इवन पॉजिटिव, यू आर जस्ट praising the music album, which is in fact not the case. So yeah, the song starts off really well with light guitar strums,
And I would have loved if it remained that way throughout the entire song. And there's also a reprised version of this song, which is sung by Shafqat Amanat Ali. It's the same song, different singer. And then there's a third version of the same song, which is sung by Papon. And oh my, that bass voice of Papon is amazing. But other than that, same song, different singer. And better of the other two versions. And coming back to the first emotional song that KD talked about, Tinka Tinka Dil Mera, there's a film version, there's another version to that song which is sung by Jubin Nautiyal. Same song, different singer. I think the makers were confused which one to pick, since both are equally amazing songs. In the end, I think they came to a conclusion that Rahat Saab's voice would drive more audience, and hence that was used for promotions, and Jubin Nautiyal's version is used in the film, and that's why it's called the film version. Talking of versions, there are a lot of different versions to the already existing songs in the album. For example, there's a Main Agar version, film version, which is sung by KK, and KK totally owns this song. While the Atif's version was a bit mellow, KK's is more of a peppy track. I'm actually surprised as to how different this version is from the actual song, which is sung by Atif. And the last version, which summarizes the album, is the radio song. It's not even a version. Same song, same singer, in fact. Just a change in the only stanza of the song. Just a few lines here and there. Exactly the same. In conclusion, a pretty dud album from a high expectation movie. I think someone forgot to dedub the songs before releasing the music album. There were a few really nice songs. My favorites from the album are Rahat Saab's Tinka Tinka, Atif and KK's Main Agar, and Papon's Kuch Nahi. So yeah, that's all I have from this album now. I hope you enjoyed it. If you did, feel free to hit that like button and let me know your favorite song in the comments below. Until then, ciao.